नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और यहाँ पे आज मैं फिर से एक कटिंग की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग है, जो फर्स्ट टाइम मैंने साइज़ 48 में अपने चैनल पे ये वीडियो डाली है। तो ये 48 साइज़ में डबल कटोरी ब्लाउज़ अगर आपको सीखनी है कटिंग, तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है और 13.5 इंच पर फोल्ड किया है। ये हमारे पास है ब्लाउज़ का कपड़ा और इसे हम 13.5 इंच पे फोल्ड कर ले रहे हैं। ये 48 की चेस्ट है और ये 16 इंच है जो हम फ्रंट का लेंगे। उसके बाद ये है हमारी शोल्डर लाइन जो 7 इंच पे हम ले रहे हैं। तो 48 की साइज़ बहुत बड़ी होती है, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 मीटर ब्लाउज़ का कपड़ा चाहिए। और ये है 6.5 इंच लगभग आर्म होल हमारा। तो 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा, 1 मीटर से कम का अगर आप कपड़ा लेते हैं 48 के लिए, तो वो पूरा नहीं होगा उसमें। ये 3 इंच हमारा नेक लाइन और ये हमारा फ्रंट का गला जो कि है लगभग 5 इंच। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे अपने शोल्डर पट्टी की 1.5 इंच पे। यहाँ पे जो है आर्म होल की राउंडिंग हम कर लेंगे, तो ये हम राउंड कर लेंगे यहाँ पे आर्म होल। और उसके बाद से हम जो है यहाँ से नापना शुरू करेंगे और यहाँ से लेंगे हम 6 इंच और ये हमारा लगभग 4.5 इंच। फिर इस राउंड से आपको रख के नापना है कम से कम 2.5 इंच और इसको राउंड करके मिला देना है। तो ये हो जाएगी आपको, ये राउंड करके हो जाएगा आपका शोल्डर पट्टी। और यहाँ से हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए 8 इंच है हमारे पास बचा हुआ, 8 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ से लगभग 2 इंच। यहाँ से 3 इंच और ये हमारी हो जाएगी ऊपर की कटोरी। क्योंकि ये डबल कटोरी है तो हम जो है वो एक भाग और काटेंगे इसका। यहाँ से हमको 5 इंच में मार्किंग करनी है, यहाँ से 3 इंच तो ये हमारी योग पट्टी हो गई नीचे वाली। तो यहाँ से ये जो है हमारा कपड़ा जो है वो फुल हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये हम पीछे का भाग निकाल लेंगे जो कि 3 इंच पे हमने यहाँ भी नेक लाइन मार्किंग कर दिया है। और पीछे का गला डीप आप जितना रखना चाहें, हमने 8 इंच रखा है, ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आप डीप रखना चाहते हैं तो आप डीप भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम हमको पीछे के लिए भी 6.5 इंच आर्म होल लेना है। एग्जैक्टली जितना हमने फ्रंट के भाग में लिया है उतना ही हम लेंगे इसमें भी। और इसको भी राउंड कर लेंगे। तो जैसे कि 8 इंच हमने यहाँ पे लिया था, तो ये कपड़ा जो है वो हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे हम अपने कटोरी का सेकेंड पीस जो है वो 8 इंच का कटिंग कर लेंगे। लेंथ यहाँ से रखेंगे लगभग 3 इंच और यहाँ से रखेंगे लगभग 2.5 इंच और यहाँ बीचों बीच में 4 इंच पे हम जो है वो यहाँ से 3.5 इंच और इसको राउंड कर देंगे। तो ये आपका जो है ऐसे ही राउंड होना चाहिए। तो ये हमारी कटोरी का सेकेंड पार्ट हो गया। तो इसी की वजह से हम इसको डबल कटोरी बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट उसमें ज्वाइन होता है हमारी कटोरी में। और उसके बाद से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए हमारे पास अब ये लास्ट कपड़ा इतना ही बचा है 1 मीटर में, जो कि हम जिसमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और साथ में हमारी आस्तीन का कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है चौड़ाई में, आर्म होल को सेट नहीं हो पाएगा ये। तो हमने एक टुकड़ा ले लिया है, उसको 4 फोल्ड करके और रख दिया है, और टोटल लंबाई जितनी है हमने टोटल ले ली है। और मैं जैसे कि आपको बताती हूँ, जब भी आप कपड़ा फोल्ड करें तो एटलीस्ट 9 इंच होना चाहिए, 10, लेकिन ये 48 का है तो एटलीस्ट 10 इंच होना चाहिए, ताकि आपके आर्म होल को वो फिट हो सके, या नहीं तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा और ये आस्तीन उसमें फिर एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। तो ये 4 हिस्सा हम कर लेंगे इस टुकड़े का, और दो एक आस्तीन के दोनों तरफ जोड़ेंगे। चूँकि ये अस्तर का कपड़ा है तो ये अंदर चला जाएगा तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा। ऑब्वियसली साड़ी का जो ब्लाउज़ होता है उसमें पर्याप्त कपड़े निकलते हैं, तो वो जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी, दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे हमारी फिटिंग साइज़ जो 11 इंच है, सॉरी 12 इंच, वो हम लगा रहे हैं चेस्ट की, और 11 इंच यानी 44 की हमारी कमर है, इसलिए हम 11 इंच पे 1/4 जो है इसका वो लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 48 का चेस्ट और 44 का वेस्ट। तो ये हमारी फिटिंग का जो है वो मार्किंग है, हमने यहीं पे कर ली है। तो हमारी कटिंग की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है सारी कटिंग, तो बहुत इजी आपको देखिए ऐसे समझ में आ गया होगा। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 1 लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।